राख के ये ढेर सिर्फ लकड़ियों के ही नहीं बल्कि इनमें दो लोग भी जलकर भस्म हो गए। झोपड़ी में ऐसी आग लगी कि माँ बेटी जिंदा जल गए। ये दर्दनाक हादसा हुआ कानपुर देहात के रूरा में। यहाँ मड़ौली गांव में एक घर पर प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान परिवार वालों से उनकी झड़प हो गई। आरोप है कि प्रशासन ने झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। जैसे ही बुलडोजर झोपड़ी पर चला उसमें आग लग गई। आग की चपेट में आने से परमिला नाम की महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को घेर लिया। अफसर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। जानकारी मिलते ही कानपुर के एडीजी समेत कई बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे। गांव में भारी तनाव है। पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। तो कानपुर हादसे पर अब विपक्ष योगी सरकार पर भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को कैसे भ्रम हत्या का दोष कहा और वहीं कांग्रेस ने अपने ट्वीट में बुलडोजर नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि अब योगी सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ब्राह्मण परिवार को टारगेट किया गया इस तरह का भी आरोप लगाया जा रहा है योगी सरकार पर और कांग्रेस ने अपने ट्वीट में बुलडोजर नीति को लेकर सवाल उठा दिए। ये ट्वीट भी कांग्रेस का आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें बुलडोजर नीति को लेकर ये सवाल उठाएगा। इससे पहले भी बुलडोजर को लेकर बुलडोजर से कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस प्रदेश में योगी सरकार पर सवाल उठाती रही। बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में आग लग गई जिससे मां बेटी की मौत हो गई। उसके बाद ऑपोजिशन इस तरीके से ट्वीट करके सरकार पर हमला किया गया और सवाल पूछे गए। लोग आए एसडीएम तहसीलदार गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल गया हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा आप इतने जले हैं आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब ये जलते हुए भाग गए लोग।